आरबीआई प्रमुख और मोदी 2.0 में केंद्रीय मंत्री रहे रामदास आठवले का बड़ा बयान सामने आया है। आठवले ने कहा कि अगर मुझे मंत्री पद नहीं दिया जाता तब भी हम एनडीए के साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दलितों और आदिवासियों का नेतृत्व करता हूं, इसलिए मुझ पर कोई अन्याय नहीं होगा। एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जाके राष्ट्रपति भवन में जाके एनडीए को समर्थन दिया है, लेकिन अब चर्चा ये शुरू है देश भर में कि फिर एक बार रामदास आठवले मंत्री होते हुए दिखाई देंगे क्या? अब तो मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राजीव दादा से मेरे अच्छे संबंध है, और लगातार मैं 8 साल से माननीय मोदी सरकार में आरपीआई की तरफ से मैं राज्य मंत्री हूँ, तो एक तो मैंने एक जगह मतलब लोकसभा की दो जगह मांगी थी, उसमें एक जगह अगर हमको मिलती थी तो मैं वहां लड़ने वाला था, लेकिन मैंने मेरी नाराजगी बाजू में रखकर देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की आवश्यकता है, एनडीए के सत्ता की आवश्यकता है, इसीलिए मैंने नाराजगी दूर रखकर मैंने पूरे प्रचार में मैंने भाग लिया और मैं देश के 20-21 राज्यों में मैं जाकर आया और उसके साथ साथ महाराष्ट्र के सभी जिलों में लगातार मैं जाकर आया, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर मेरे बारे में विचार करेंगे और मुझे जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाने का काम मैं करता रहूंगा। और मैंने मोदी जी को बताया है, जब मैंने उनको पुष्पगुच्छ दे दिया तब मैंने उनको बताया है कि आप में बहुत ही है दम, आप में बहुत ही है दम, इसलिए आपके साथ है हम। अगर ऐसा कोई होता है कि अगर आपको मंत्री पद नहीं दिया जाता है तो क्या कोई आप दूसरी लाइन पकड़ेंगे, क्योंकि आपके महाराष्ट्र में भी अच्छे संबंध है, संजय राउत हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, आपने इनके साथ भी काम किया है। मैंने तो मोदी जी के लिए किया है साइन, मैंने तो मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए की है साइन, फिर मैं कैसा बदलूंगा मेरी लाइन, तो मतलब मैं मेरी लाइन बदलने वाला नहीं हूँ। मंत्री पद तो मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है, नहीं भी मिलेगा तो भी मैं एनडीए के लिए काम करता रहूंगा, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं काम करता रहूंगा, इसमें कोई मंत्री पद से मतलब मंत्री पद नहीं मिलेगा तो मैं एनडीए छोड़ूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं एनडीए के साथ रहूंगा, मोदी जी के साथ रहूंगा और मैं समाज का, गरीबों का काम करता रहूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।